की याद आने लगी है। इंदौर में आज विधानसभा क्षेत्र 5 के भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल निगम कमिश्नर के साथ रेसिडेंसी में हुई बैठक में शामिल हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को होने वाली ड्रेनेज, सड़क, पानी, बिजली जैसी आम समस्याओं से अवगत कराया। हर क्षेत्र के पार्षद की अपनी एक अलग समस्या थी, जिसे उनके द्वारा निगम आयुक्त के सामने रखा गया। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत भी निगम आयुक्त से की, जिस पर आयुक्त ने सभी को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। वहीं निगम आयुक्त ने प्रदेश सरकार द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में कटौती करने पर विकास कार्य प्रभावित होने की बात जनप्रतिनिधियों के सामने रखी, जिस पर भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने इस मामले में प्रदेश सरकार से चर्चा के बाद सहायता दिलवाने का आश्वासन भी दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में कटौती को बहाल करने के संबंध में वे प्रदेश सरकार तक संदेश पहुँचाएंगे। चालू हो जाए ताकि जिन क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी की समस्या वहाँ दूर हो। इसके साथ ही कई जगह नर्मदा लाइन के इंटर कनेक्शन होना लंबित है, वो काफ़ी दिनों से लंबित है, तो एक बात वो हुई। दूसरा कि एक दो मुख्य सड़कें हैं, एक तो महालक्ष्मी नगर की जो मेन रोड है और एक मूसाखेड़ी से सांवरिया धाम की एक मेन रोड है, जिसको 4 लेन होना है, 1 लेन तो बन गया उसका। मैंने बोला उसको भी अपने इस प्रस्ताव में शामिल किया ताकि आने वाले समय में टेंडर होकर उस रोड का भी अपन निर्माण कर सकें। इसके बाद कुछ कर्मचारियों के स्थानांतर या कुछ कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे थे उनके संबंध में मैंने नगर निगम आयुक्त से बात करी। हमारे पार्षदों ने अपने अपने विभिन्न क्षेत्र की वार्ड की छोटी छोटी समस्याएं जो तत्काल छोटे से बजट में जिनका समाधान हो सकता है वो बात यहाँ आज कमिश्नर से करी। अब कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि अधिकारी उनसे फोन पर चर्चा तक नहीं करते, क्या ऐसी कोई शिकायत भी? हाँ, किसी एक आध दो पार्षद ने ऐसी शिकायत करी है कि कुछ अधिकारी फोन उनका नहीं उठाते, तो मैंने कमिश्नर के नॉलेज में वो बात भी लाई है।